नहीं पता ये किसके लिए कलाम है, लेकिन ये मेरे लिए कलाम है, ये हम सब के लिए कलाम है। खुदा ये चाहता है कि यूना की तरह हमारा रुख नैनवा की तरफ हो जाए। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जी यूना की किताब पहला बाब निकाल लीजिए और पहली तीन आयात पढ़ेंगे। यूना की किताब है पहला बाब और उसकी पहली तीन आयात। खुदा के कलाम में कुछ लिखा है, खुदावंत का कलाम यूना बिन अम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंत के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। जी चौथी आयत भी पढ़ दीजिए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। आमीन। खुदा उनके इस कलाम का पढ़ा सुना और अमल में लाया जाना आज हम सब के लिए 22 से बरकत और जमायत मिलकर कहे आमीन। यू मे बी सीटेड, तशरीफ रखिए। सुबह खैर। सुबह खैर आप सबको, सुबह का सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आमीन। बोले दिस इज योर डे। दिस इज योर डे। फिर उर्दू में कहे ये आपका दिन है। पंजाबी में ये तो हटा दे। नहीं, एक दूसरे की तरफ देख के बोले हाँ जी ए तो हटा देने आज। आमीन। क्योंकि कलाम जो है वो हमें हमारे दिन को जो है वो गुड डे बनाता है, हमारे दिन को शादमानी से भर देता है, हमारे दिन को खुशी से भर देता है। बाजुकात हम परेशानी के आलम में आते हैं, कोई ना कोई चीज जो है हमारे दिमाग में अटकी होती है, लेकिन कलाम को सुनने के बायस, कलाम पर अमल करने के बायस, कलाम को पढ़ने के बायस, कलाम को सुनने के बायस, जमात के बायस हमारी वो परेशानी जाती रहती है और हम बहाल हो जाते हैं। और ये खुदा के कलाम का काम है कि वो बहाली लेकर आता है, वो रेस्टोरेशन कर लेकर आता है, वो आपको बहाल करता है। और यही खूबसूरती है खुदा के कलाम की। आज बुक ऑफ जोना पर हम गौर करेंगे। यूना की किताब छोटी किताब है और चार अबवाब पर मुश्तमिल है और चार अबवाब भी बड़ी थोड़ी थोड़ी आयात के हैं। यूं समझिए कि आप 5 से 10 मिनट में इस पूरी किताब को खत्म कर सकते हैं, यानी पूरी पढ़ सकते हैं किताब। और यूना छोटे नबियों में आता है, जो छोटे नबी होते हैं जैसे आमोस है, अब्दिया है, यूना भी उनमें है। लेकिन इस किताब का जो मतन और मकसद है वो बड़ा अहम है। इसमें नैनवा का हमें जिक्र मिलता है। नैनवा सीरिया का कैपिटल है और सीरिया के ताल्लुक से सलातीन की किताब भरी पड़ी है, सीरियंस सीरिया के ताल्लुक से। और यूना को खुदा ने एक काम दिया है कि उस नैनवा को जा जो कैपिटल है असीरिया का, सूरिया का कैपिटल है, तो वहां पर जा और मुनादी कर। लेकिन यूना क्या करता है? यूना अपनी जेब से पैसे खर्च करता है और किधर चला जाता है? तरसीस चला जाता है और वो खुदा की आवाज से यूं भागता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के इस करंट दौर का मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब जो है ये आपकी और मेरी अकासी करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एग्जैक्ट मैसेज है जो आज का मैसेज है कि तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। और अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो खुदा इस जमीन को बर्बाद कर देगा। जो यूना का मैसेज है वही बाइबल का मैसेज है, वही आपका मेरा मैसेज होना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, यूना अपनी बुलाहट से भागता है। यूना खुदा का नबी है, हर वक्त वो खुदा की आवाज को सुनता है, खुदा की आवाज को पहचानता है,
कोई और उसके साथ बातचीत नहीं करता, वो खुदा की आवाज़ को पहचानने वाला नबी है। लेकिन यहाँ पर खुदा की आवाज़ सही उस तक पहुँची है, खुदा की आवाज़ एग्जैक्टली उस तक पहुँची है। लेकिन यहाँ पर यह भी मेंशन करना चाहूँगा, खुदा की आवाज़ हम तक पहुँचती है, हम सही सुनते हैं, उसके बाद हमारी अपनी मनमानी, हमारी अपनी जो मर्जियाँ हैं वो खुदा की मर्ज़ी को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हम अपने तौर पे कहते हैं नहीं, खुदा की ये मर्ज़ी। अब खुदा ने उसे नैनवा जाने को बुलाया है, बोले नैनवा, फिर बोले नैनवा, लेकिन वो किधर जाता है? तरसीस को वो चला जाता है। आयत नंबर 3 में पढ़ा गया है, लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा। नैनवा के लिए खुदा ने मैसेज दिया है, वो कहता है ये मैसेज मैं तरसीस में चला दूंगा, वहां पर भी लोगों को कलाम की जरूरत है, वहां पर भी लोगों को मुनादी की जरूरत है। लेकिन क्या ये बात, क्या ये काम पाया तकमील तक पहुंचेगा? बोलें बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारा है, खुदा ने हमें बुलाया जिस काम के लिए, हम उसे छोड़ते हैं, हम अपनी मनमानी से अपना खेत ढूंढते हैं, हम कहते हैं जो खुदा ने बुलावा दिया है, जो खुदा ने कलाम डाउनलोड किया है, ये कलाम मैं अपनी मर्जी की जगह पर पेश कर दूंगा, क्योंकि कलाम तो खुदा का है। लेकिन नहीं, वो कलाम नैनवा के लिए खुदा ने दिया था। और वाइस कहता है तौबा करने का एक वक्त है, पढ़ा है कि नहीं आपने, हर चीज का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, खुशी का एक वक्त है, तौबा का एक वक्त है। और बड़ी अच्छी बात है कि जब तौबा का वक्त हो आप उस वक्त तौबा रिसीव कर ले। सो दैट वाज अ टाइम फॉर द नैनवा, वो वक्त था नैनवा के लिए कि वो तौबा करे, और ये खुदा की जानिब से ठहराया हुआ वक्त था। एक हवाला पढ़ेंगे, सलातीन की दूसरी किताब 14वां बाब और 25वीं आयत देखिए। और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन इम्ती की मार्फत जो जाते हिफर का था फरमाया था, इसराइल की हद को हमाद के मदहल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। आमीन। यहां पर इसराइल का एक बादशाह यूरबाम है जो बिल्कुल खुदा की नजर में बदी को सरजर्द करता है, बदी सरजर्द करता है। नबी ये बादशाह है, लेकिन ये बहुत से बादशाह के बारे में आप सलातीन की किताब में, तवारीख की किताब में पढ़ेंगे कि वो खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफ चलते, वो खुदा के हुक्म पर नहीं मानते थे। ये बादशाह यूरबाम धूम जो है ये भी उनमें से एक है। और यहां लिखा है, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुहन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन अमती, ये जिसका जिक्र हम यूना की किताब में से पढ़ रहे हैं, ये उसी नबी का यहां पर जिक्र हो रहा है। लिखा है कि इसराइल की हद को हमाद के मदल से मैदान के दरिया तक फैला फिर पहुंचा दिया। यहूदी नैनवा में जो थे वो मौजूद थे, और ये खुदा के कलाम के मुताबिक था। खुदा ने आज उससे कलाम दिया है यूना को कि तू नैनवा को जा, और वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके तरसीस की जानिब जाता है। तरसीस जो है ये आज जो स्पेन आप पढ़ते हैं, स्पेन का लफ्ज सुनते हैं, तरसीस वो डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल दूर दराज चला जाना चाहता है। क्या ऐसा आज नहीं होता? खुदा ने हमें जिस खेत में बुलाया है हम उससे दूर दराज भागना चाहते हैं, हम करना खुदा का काम चाहते हैं। यूना खुदा के काम के लिए तैयार था, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। बोले खुदा की मर्जी, फिर बोले खुदा की मर्जी। सो आज मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हम जो करें है तो खुदा का काम है, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक करें। आमीन। कितने इस बात के लिए मुत्तफिक हैं कि जो हम करेंगे वो किसके मुताबिक करेंगे? खुदा की मर्जी के मुताबिक। कई बार काम ठीक है, मुनादी ठीक है, वर्शिप ठीक है, लेकिन हमारी अपना जोर, हमारी अपनी ताकत के मुताबिक होता है। इसका हर्ज ये होता है कि इसके नतायज सामने बिल्कुल नहीं आते, कोई नतायज सामने नहीं आते, ये सिर्फ एक जो है वो अमल रहेगा। लेकिन यहां पर खुदा ने यूना को अपना कलाम दिया है, नैनवा
के लिए, और नैनवा ही को खुदा चाहता है कि वो तब्दील किया जाए। नैनवा के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, नहायत सख्त तरीन ये शहर था, नहायत ऐसा शहर जिसमें कोई फॉरेनर जाना इसलिए पसंद नहीं करता था कि उनके अपने रिचुअल्स, उनका अपना एक तरीक़ेकार था। जैसे आज हाथ पर हाथ हम मारते हैं जब खुश होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मुंह पर स्लैप करते जब वो खुशी का इजहार करते। इतने सख्त लोग होते और मछली पकड़ते उससे आपके मुंह पर मारते, ये उन लोगों का सेवा था। और फिर जो मछली का जिक्र हमें मिलता है कि मछली ने उससे अपने अंदर ले लिया, मती में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। अगर इसका मुताला किया जाए तो ये मछली नहीं थी, ये मैमल था, जो समुंदर में ही कोई जानवर है होता है जिसने इसे अपने अंदर ले लिया। यूँ कह लीजिए कि खुदा ने मुकरर किया, और एग्जैक्टली खुदा ही ने उसको मुकरर किया था कि वो इसे रखे अपने अंदर थोड़ी देर के लिए, 3 दिनों के लिए, और फिर इसकी डेस्टिनेशन पर, फिर इसकी मंजिल तक इसे पहुँचा दे। मेरे शिशो, जब हम खुदा की आवाज से भागेंगे तो खुदा अपना काम लेना हमसे जानता है। मुबारक है आप कि अगर आपके लिए खुदा जो है समंदरों में तूफान बरपा कर दे, मुबारक है आप कि अगर आपके लिए खुदा लोगों को मुकर्रर करे कि इसको उठाकर फेंक दो ताकि ये अपनी बुलाहट की जानिब, अपने बुलावे की जानिब इसकी जो है इसकी डायरेक्शन हो जाए। आज के ईमानदार का मसला यह है कि डायरेक्शनें बदली हुई हैं, अपनी अपनी डायरेक्शन पकड़ी हुई है। मेरी ये डायरेक्शन है, मेरी ये खिदमत है, लेकिन खुदा की खिदमत नैनवा है। खुदा ने आपको नैनवा के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको कलाम नैनवा के लिए दिया है। अगर आप वो कलाम नहीं सुनाएंगे तो आप हर वक्त जो है नाकामी का शिकार, आप हर वक्त जो है मायूसी का शिकार, आपके बायस हर वक्त तूफान बरपा रहेगा। आइए तूफानों को रोकने के लिए अपने रुख को ठीक कर ले, अपनी डायरेक्शन को ठीक कर ले। जिस बुलावे के लिए खुदावन ने आपको बुलाया है उसके लायक चाल चले। और मेरे जिजो, यहां पर हमें मिलता है कि चौथी आयत, लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मला हरसा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें, लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। बोले सो रहा था, फिर बोले सो रहा था। जब खुदा की हजूरी से हम भागेंगे, जब उस बुलावे को हम छोड़ देंगे, तो फिर नींद भी तारी हो जाएगी, फिर आपको वो तूफानों का जो शिद्दत है वो भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तूफान मेरी वजह से है। और यूं लगता है कि वो जैसे हट धर्म है, वो ढीठ हो चुका है, उसे पता है खुदा की आवाज़ पर मुझे लबैक कहना पड़ना है, खुदा ने मुझसे ये काम ले लेना है। ऐसे ही हमें भी लगता है, खुदा ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया उसने मुझसे लेकर रहना है। बोले खुदा ने अपना काम लेकर रहना है, बोले खुदा ने मुझसे अपना काम लेकर रहना है। तो फिर क्यों हमारे रुख चेंज हैं, फिर क्यों हम अपने बुलावे से भागे हुए नजर आते हैं, फिर क्यों ऐसा लगता है कि हमारी ये खिदमत नहीं है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जो ही आपकी डायरेक्शन ठीक होगी खुदा काम करना शुरू कर देगा। और पौलुस रसूल कहते हैं कि हम खुदा के साथ काम करने, मुझे आपका साथ चाहिए, हम खुदा के साथ काम करने वाले, पार्टनरशिप है हमारी खुदा के साथ। क्या है? पार्टनरशिप है। ये वैसी पार्टनरशिप नहीं है कि लो जी जो कमाया आधा आधा, ये रूहों की पार्टनरशिप है। आमीन। खुदा के साथ मिलकर रूहों को जीतना, जब जाएंगे हम ही, लेकिन ताकत किसकी होगी? रूह पाक की। आमीन। ताकत पावर किसकी होगी? रूहुल कुस की पावर होगी, ताकत होगी। और जब आप बोलेंगे सही डायरेक्शन में, फिर लोग क्या करेंगे? टाट ओढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्या नैनवा ने ऐसा नहीं किया? तो किसके बायस हुआ? यूना के बायस। किसके बायस हुआ? अब आप कहेंगे खुदा की मर्जी थी, जी हाँ, लेकिन खुदा ने इस्तेमाल किसको किया? यूना। खुदा ने किसके लिए तूफान बरपा किया? यूना के लिए। खुदा ने किसके लिए उस मैमल को, उस बाइबल में जो लफ्ज लिखा है, उस फिश को, उस मछली को मुकरर किया? यूना के लिए, जिसने उसे लिया तो सही लेकिन खाया नहीं, उसको खुदा के लिए रखा। शायद वो अगर अपना शिकार वो मछली करती तो वो निकल, वो खा पी जाती, खत्म कर देती, लेकिन
उसको पता है कि ये मेरे खुदा के काम के लिए मुकरर किया गया है। खुदा जब आपकी ज़िंदगी में बुलावा रखता है, जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का बुलावा है, तो खुदा आपको प्रिजर्व करेगा, खुदा आपको जो है वो महफूज रखेगा। आप हैं तो नाफरमान, हमने की नाफरमानी है, लेकिन खुदा उस नाफरमानी में भी हमारी क्या करेगा, हिफाजत करेगा। उस मैमल के मुंह में यूना की हिफाजत हो रही है कि उसके नोकीले दांत उसे काट ना डालें। उस तूफान में भी यूना की हिफाजत हो रही है। हर शख्स अपने माबूद को पुकार रहा है, यूना सो रहा है। आज आप देखिए कि आप भी सो तो नहीं रहे, तूफान है, ये कोरोना का तूफान बरपा हो चुका है, क्या आप अपनी बुलावे से भागे तो नहीं हुए? अगर आप भागे हुए हैं तो अपने आप को जाने दीजिए तूफान में। यूना ने उस तूफान का हल ढूंढ लिया। लोग उसी से कहते हैं, लोग डर गए कि ये उस जिंदा खुदा के हजूर से भागा हुआ है, वो नहीं चाहते थे कि उसे उठा के समंदर में डाले। यूना ने खुद कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, क्योंकि ये समंदर में जो तूफान है मेरे भागने के बायस है, मैं खुदा के बुलावे से भागा हुआ हूँ, मेरी डायरेक्शन गलत हो गई है। है मेरे अंदर खुदा का कलाम, लेकिन मेरा रुख गलत हो गया है, और अब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप मुझे ले और समंदर में डाल दे ताकि मैं फेंका जाऊं और आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। बाजुकात हम अपने खानदान के लिए तूफान का बायस बनते हैं, बाजुकात हम अपने चर्च के लिए तूफान का बायस बनते हैं, क्योंकि हम अपनी डायरेक्शन से उखड़े हुए हैं, हम अपने रुख से उखड़े हुए हैं। खुदा का कलाम हमारे अंदर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए जरूरत है कि हमें उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और घर वाले वो कश्ती सुकून में हो जाए। बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। मुझे नहीं पता ये किसके लिए कलाम है, लेकिन ये मेरे लिए कलाम है, ये हम सब के लिए कलाम है। खुदा ये चाहता है कि यूना की तरह हमारा रुख नैनवा की तरफ हो जाए, हमारा रुख उसकी जानिब हो जाए, और हम उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़े। उस मछली ने उसे वक्त मुकर्रा पर नैनवा के करीब फेंक दिया। फिर खुदा का कलाम यूना पर दूसरी बार नाजिल होता है। पहली बार नाजिल हुआ जब वो अपने कमरा में था और जब उसके पास चॉइस थी कि नैनवा नहीं, मैं तरसीस को चला जाता हूं। लेकिन अब दूसरी बार उसकी जिंदगी में दोबारा खुदा का कलाम आता है कि अब तू नैनवा पहुंच चुका है, उठ और कलाम सुना। 40 दिन का टाइम है इनके पास, वो उठता है, 3 दिन की मुसाफत है वो शहर, और वो क्या करता है, कहता है कि 40 दिन जे तोबा कर लो। कहता है कि नहीं, उसके वहमो गमान में नहीं कि इसके रिजल्ट क्या होंगे, क्या उसको पता था, नहीं, 4 बाब है, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। उसके वहमो गमान में नहीं है कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव होंगे। यही इंसान का आज रवैया है, हमें लगता है कि हम जो बहुत ज़्यादा शोर करेंगे तो इसके कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जब खुदा ने आपको कहा है तो फिर उसके रिजल्ट्स होंगे, फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे कि ईद पेंतिकोस के रोज आप कलाम सुनाएंगे तो 3,000 लोग खुदावन की कलीसिया में जमा हो जाएंगे, फिर ऐसे रिजल्ट्स होंगे कि फिर आप कलाम सुनाएंगे 5,000 लोग कलीसिया में शामिल हो जाएंगे। ये रूहुल कुदस का काम है, ये उसकी कुदरत का काम है, ये खुदावन का काम है। यूना को लगता है खुदा ने मनु लेते अंदर तोबा ना नहीं करनी। आज के इंसान भी ऐसे सख्त रीन है, कोई आज जो गुनाह हो रहा है ये कोई बहुत नया गुनाह नहीं है, आज की शक्ति कोई नई शक्ति नहीं है, बनाए आलम से शुरू से जब से ये आलम बनाए गए हैं ये शक्ति हमें नज़र आती है, लोग जो है वो सख्त रहे हैं। अगर आप लूत का हवाला देख ले और लूत के दौर में क्या हुआ है, तौबा के लिए इतने लोग 5 लोग उतने भी नहीं निकलते, और वहाँ पर भी हमें मिलता है कि खुदा अपना जो गुस्सा है वो दिखा देता है। लेकिन यूना को एक बात की समझ है, यूना जब देखता है कि खुदा माफ़ करने को है तो यूना कहता है मुझे पता था तू रहीमो करीम है, कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। अब यूना इस बात के लिए बेजार है कि खुदा क्यों नैनवा को बख्श रहा है, कि खुदा क्यों नैनवा को जो है वो छोड़ रहा है। यूना तैयार था, ठीक है मैंने मुनादी कर दी है, अब मैं एक ऊंची जगह पर बैठ जाता हूं ताकि अपनी आंखों से नैनवा को गर्क होता हुआ देखूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, खुदा क्या करता है, जल्दी से एक बेल को उगा देता है,
धूप बड़ी तेज होती है, वो बेल उससे क्या करती है, साया देती है, उसे सुकून मिलता है और फिर जल्दी से उसे सुखा देता है। अब जब सूरज तेजी से उस पर पड़ता है तो वो बेताब होता है, हत्ता कि वो कहता है कि मेरी जान मरने के लिए तैयार है। खुदावंद उससे लेसन देते हैं कि जिस बेल को तूने जरा भी कोई काम नहीं किया, तूने मेहनत नहीं की, उस बेल के लिए तू इतना जो है वो परेशान है, तो जिन लोगों को मैंने बनाया है मैं उनको ऐसे ही मार दूंगा। सो एक बात को याद रखें कि खुदा नहीं चाहता कि किसी गुनहगार की हलाकत हो। क्या खुदा चाहता है बताइए, क्या खुदा चाहता है? क्या वो इतनी आसानी से कोरोना की नज़र आप लोगों को होने देगा, या इतनी आसानी से दुनिया को कोरोना से तबाह बर्बाद करेगा? नहीं, वो ये चाहेगा कि आज यूना खड़े हो जाएं। आमीन, बोले मैं खड़ा होऊंगा खुदा के काम के लिए। सब बोले भैनों, यकीन है कि नहीं तुसी कुछ कर सकदियां हो? दसो कि घर दी परेशानियां ते बच्चों सांभ सांभ के, नहीं जी मैं नहीं लगता। हाँ पर स्टिल यू कैन डू, आप खुदावंद के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मत आप सोचे कि कोई वाकई यूना जिसने जुब्बा पहना होगा आएगा और वो मुनादी करेगा। ये मुनादी आज आपने करनी है। आमीन, ये काम आपने करना है। ये डायरेक्शन, तो मेरी डायरेक्शन को दुरुस्त कर दे। और आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन है कौन? हर शख्स को अपना पता है कि मैं अपनी डायरेक्शन से हिला हुआ हूँ। आज हमें ऐसा लगता है कि मतलब घरों में जब परेशानी होती है, रुपए पैसे की कमी होती है, तो मैं एक और अच्छा काम करूँगा, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी सोच है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जब स्पिरिचुअल ट्यूनिंग हो जाएगी, बोले ट्यूनिंग, स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, तो आपका ये जो कारोबारी हिस्सा है ना, ये अभी ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं ऐसा? लेकिन मसला ये है, स्पिरिचुअल को हम बीमार रहने देते हैं और फिजिकल पर हम बड़ा काम करते हैं। यार है काम नहीं ठीक है, इधर पैसे ज़्यादा बने, लेकिन वही हाल रहता है, कहीं भी हमें रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि जो यूना है वो नैनवा से भागा हुआ है। यूना अपनी डायरेक्शन से भागा हुआ है। अब वो जो कुछ मर्जी करे, अपनी जेब से पैसा लगाए, अच्छे से अच्छी सीट बुक करवाए, तरसीस की जानिब चला जाए, तूफान तो आना ही है और उसके बायस लोग परेशान होंगे, क्योंकि यूना अपनी डायरेक्शन से भागा हुआ है। इसलिए मेरे जीजो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, क्या ये अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर लें। अपनी जेब से पैसा मत खर्च करें खुदा की नाफरमानी करने के लिए। क्या करेंगे हम? बोले खुदा की एक तो नाफरमानी है, ऊपर से जेब से पैसा खर्च करना है, तो कैसे पाया तकमील तक पहुंचेंगे? ये खानदानों के लिए कलाम है, ये हम सब के लिए कलाम है कि हम अपनी डायरेक्शंस को दुरुस्त करें। खुदा ने आपको नैनवा के लिए बुलाया है, खुदा ने आपकी डायरेक्शन आपको बताई है, खुदा ने क्लियर किया है कि आप किस काम के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम खुद अपनी सोचों को खुदा की आवाज़ पर जो हैं वो हावी कर देते हैं और हम उसकी आवाज़ सुनना नहीं पसंद करते। बड़ा खूबसूरत इस किताब का लेसन है जी। यहाँ पर हमें तौबा होती नज़र आ रही है, यहाँ पर हमें बुलावे की समझ आ रही है कि खुदा ने बुलाया नैनवा के लिए है और खुदा ने डायरेक्शन को दुरुस्त करवाया। अब होता क्या है, तीसरे बाब की पांचवीं आयत में लिखा है, तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर क्या किया, रोजा की, मुनादी की, और अतनी वाला सब ने टाट ओढ़े, काम हो गया, उसके कलाम को सुना है लोगों ने और ईमान ले आए हैं। और क्या अदनी वाला सब, क्या बड़े क्या छोटे, क्या बादशाह क्या फकीर, सब ने क्या किया, टाट ओढ़ा, सब ने रोजा की, मुनादी की। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रोजा की मुनादी ये उनका अपना अपनी आवाज थी। यूना ने नहीं कहा रोजा रख लो, यूना ने कहा तौबा कर लो, ठीक है। ये आगे उस कलीसिया का, नैनवा की कलीसिया का काम था कि उन्होंने कहा कि ये भी हम करेंगे लेकिन हम टाट ओढ़ेंगे। और बाइबल में आपको बताया मैंने कई बार, जब टाट ओढ़ने का जिक्र है तो रोजा सबसे पहले है। आमीन, क्योंकि रोजे के बगैर टाट ओढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
तार तोड़ा गया, रोजा उसके साथ है कि खुदा मुआफ कर, ए खुदा बहाल कर दे, ए खुदा हम ईमान ले आए हैं, तेरा बंदा यूना ठीक फरमाता है, ये कलाम तेरी तरफ से है, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं। बादशाह भी जमीन पर बैठ गया, सब जमीन पर बैठ गए, रोना शुरू हो गए कि खुदावंद असी भी तेरी जूरी चो दौड़े हुए हैं, हमने भी तेरी डायरेक्शन को छोड़ दिया है और मेरे जिसो बहाली हमें नजर आती है। और लिखा है सातवीं आयत, और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गला या रमा कुछ ना चखे ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरियोजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। हाथ के जुल्म, मैंने आपको पहले कहा है वो हाथ से जुल्म करते, और लिखा है कि अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। बोले हालेलुया, हमें ये कहने की जरूरत है और हम हलाक ना हो, क्योंकि खुदा हलाकत नहीं चाहता, वो तौबा चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। चैप्टर नंबर 4, लेकिन यूना इस बात से नहायत नाखुश और नाराज हुआ, दोबारा उसको अच्छा नहीं लगा, वो नहायत नाखुश है और नाराज है और खुदावंद के हजूर दुआ करता है, ऐ खुदावंद जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना किया था, मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है, अब ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान ले ले क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। ये कैसी बात है, नबी ये कह रहा है मुझे अब मार दे, तू तो बचाने वाला है, तूने मुझे क्यों लाया, अब तू मुझे मार दे। अब इस शहर का इस कदर प्रेशर है, इस शहर की जो हरकातो असनात हैं वो इस कदर उस पर तारी हैं कि वो नहीं पसंद करता कि खुदा इन्हें मुआफ़ करे, ऐसा आज हमें भी लगता है, बाज़ुकात हम मुनादी करते हैं लेकिन जब तोबा के रिजल्ट ज़्यादा आते हैं तो शायद हम ज़्यादा खुश भी नहीं होते क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं है, हमें अच्छा लगता है कि जो हमारी तवक्कोआत हैं खुदा उनसे काम करे, खुदा ऐसे नहीं काम करेगा कि वैसे ही काम करेगा, मेरी तवक्को है थे 10 लोग तोबा करन, 10 ही तोबा करन, नहीं, खुदा हो सकता है सबको तौफीक दे दे और हो सकता है वहाँ एक शख्स भी तोबा ना करे, लेकिन यहाँ के रिजल्ट्स 100% रिजल्ट्स हैं क्योंकि खुदा ने नैनवा को भेजा है, जब आप खुदा के कहने के मुताबिक जाएंगे तो रिजल्ट्स कितने होंगे, 100%, बोले 100%, 100% उसके नतायज होंगे, 30 भी नहीं होंगे, 60 भी नहीं होंगे, 100% होंगे क्योंकि खुदा ने नैनवा का नाम लेकर आपको बुलाया है। यहां पर यूना नाराज नजर आता है और वो नहीं चाहता कि ये तौबा करे, और लिखा है आठवीं आयत, जब आफ्ताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफ्ताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया, वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है, और खुदा ने यूना से फरमाया क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है, उसने कहा मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मर जाना चाहता हूँ, तब खुदावन ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई, और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 120,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआशी हैं, खुदा मुआशियों का ख्याल भी रखता है, यहाँ पर लिखा है और बेशुमार मुआशी हैं, इसका मतलब है खुदा गॉड डज केयर फॉर एनिमल्स, खुदा मुआशियों का ख्याल रखने वाला खुदा है, तो इंसान तो उसकी हाथ की कारागरी है, सो मेरे जिजो खुदा आपका ख्याल रखता है, आमीन, बोले आमीन। इसमें एक बात और वाजे रहे कि खुदा आपके घर को, खुदा आपके शहर को बचाना चाहता है, नबी चाहे चाह रहे कि ये बर्बाद हो जाए लेकिन खुदा का अल्टीमेटली प्लान जो है वो यही है कि हम सब तौबा करें, हम सब गिर जाएं अपने अपने सरों के बायस, हम झुक जाएं और
आहो नाला करेगा, खुदा मुआफ़ कर, रहम फरमा और वो बहाल करेगा। इसलिए आइए आज जितने यूना यहाँ पर बैठे हैं, जितनी फीमेल यूना यहाँ पर बैठी हैं, अगर आप अपने बुलावे से भागे हुए हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने अपनी जेब से पैसा भी खर्च किया है कि खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ चलूँ, तो भी ये बेस्ट टाइम है तौबा करने का और कहने का कि खुदा बहाल कर दे मेरी मिनिस्ट्री को, मेरी खिदमत को बहाल कर दे। मैंने एक वक्त था कि तेरे साथ वादे किए थे खुदावंद मैं ये करूँगा, खुदावंद मैं ये करूँगा, लेकिन पैसे ने मेरे दिमाग को ख़राब कर दिया है और मैं तेरी खिदमत से भागा हुआ हूँ। मुझे मुआफ़ कर दे, मैं अपने नैनवा में जाऊँगा जिस नैनवा को तूने मेरे लिए मुकरर किया, और मैं वहाँ पर हल चलाऊँगा, वहाँ पर लोग तौबा करेंगे और मैं जलाल तुझे दूँगा। आइए अपने कदमों पर चंद लम्हा के लिए खड़े हो जाएंगे, सब हाथ बुलंद हो जाएँ और आइए अपने अपने लिए दुआ करें कि खुदा रहम कर, ऐ खुदा माफ़ फरमा और बहाल कर दे, मेरा रुख ठीक हो जाए, मेरी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए और मैं अपनी खिदमत को पहचानूं कि खुदा ने मुझे जिस जगह के लिए बुलाया। आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए, सब हाथ बुलंद हो जाएं, सब हाथ बुलंद हो जाएं और दुआ कीजिए कि खुदा तो हमारी ज़िंदगी में रहम कर। सब अपने लबों को खोलिए और दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी करें कि खुदावन इस कलाम ने मुझे तोड़ा है, मुझे ब्लेस किया है और मैं इस कलाम के मुताबिक अमल करूँगा। आइए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे वादों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आए खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज ये कलाम हम सबको ब्लेस करे, आज का ये कलाम हम सबको तोड़े, हम सबको बनाए और हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए, हमारे रुख ठीक हो जाए। तूने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है, आए खुदावंद तो हम पर रहम कर, आज कलीसिया को बहाल कर दे, आए खुदा सबको बरकत दे। शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की